क्वेश्चन फिफ्थ, 20 एल स्केयर एम 30 ए एल एम, इसको लिख सकते 20 को 10 इंटू 2 एल की स्केयर एल इंटू एल इंटू एम, 30 को लिख सकते 10 इंटू 3 ए इंटू एल इंटू एम, इनमें से कॉमन है 30 है, एक एल कॉमन है एक एम कॉमन है। अब 30 10 एल और एम निकाल कर यहाँ सिर्फ 12 बचता है, यहाँ 10 और एल एम निकाल कर 3 ए बचता है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है 5x² y माइनस 15xy² 5x² y को भी लिख सकते हैं x इंटू वाई, और 15 को 3 इंटू 5 एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इनमें से कॉमन एक 5 कॉमन है एक x कॉमन है एक y कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा सिर्फ यहाँ x बच गया यहाँ 3 बच गया, 5xy तो निकाल दिया और y बच गया, ये हमारा आंसर सिक्स। नेक्स्ट सेवन्थ हमारे पास है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 ए स्केयर का ए स्केयर, क्योंकि कॉमन तो जाता नहीं दोनों में, 15 का 5 इंटू 3 बी स्केयर का बी स्केयर, 5 इंटू 4 इंटू सी स्केयर का सी स्केयर, इन तीनों में 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह गया 2a² माइनस 3b² प्लस 4c की स्केयर, ये हो गया सेवन्थ। नेक्स्ट एट्थ हमारे पास है माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, इसका आंसर इन तीनों में हमें दिख रहा है, एक तो माइनस 4a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, 4a इंटू बी, 4c इंटू, हमें तीनों में दिख रहा है एक 4 कॉमन है एक a कॉमन है, तो हम 4a कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ रह जाएगा सिर्फ माइनस a प्लस बी माइनस एंड सी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट नाइन्थ x² yz प्लस xy² z प्लस xyz की स्केयर, अब हम इसको लिख सकते हैं x² को x इंटू एक्स वाई इंटू जेड, ऐसे इधर xy इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इन तीनों में एक बार x है एक बार y है एक बार z कॉमन है, तो xyz कॉमन निकाल देंगे, यहाँ रह जाएगा सिर्फ x, यहाँ रह जाएगा सिर्फ y, यहाँ रह जाएगा सिर्फ z, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट टेंथ सम ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, तो इनमें से a x इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी एक्स वाई जेड, इनमें से कॉमन देखो क्या है, इसमें भी एक बार एक्स है इसमें भी एक बार एक्स है इसमें भी एक बार एक्स है, इसमें एक बार वाई है एक बार वाई है एक बार वाई, तो एक्स वाई कॉमन हो गया, रह गया यहाँ पर ए एक्स वाई निकाल दिया ए एक्स प्लस बी एक्स वाई निकाल दिया वाई प्लस सी एक्स निकाल दिया जेड, ये हमारा आंसर आ गया।